बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कुरानिक सॉल्यूशंस। मोहतरम नाजरीन, कलवंजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे मुख्तलिफ खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसके इस्तेमाल के फवायद मिलते हैं। मगर क्या आप वाकई इसके फवायद से वाकिफ हैं? मोहतरम नाजरीन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलवंजी के फवायद पर, जिसके जरिए सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कुरानिक सॉल्यूशंस के नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, कलवंजी को मिस्री मसाला कहा जाता है। ताहम तारीख में तिब्बे यूनानी से लेकर दीगर कदीम तहजीबों में भी अद्वियात साजी में इसके इस्तेमाल के बहुत से शवाहिद मिलते हैं। अरब दुनिया, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में भी इसका इस्तेमाल आम है। कलवंजी को अरबी में हब्बतुल बरका या हब्बतुस सौदा, फारसी में स्याह दाना, अंग्रेजी में ओनियन सीड्स, हिंदी में मंगरेला और उर्दू में कलवंजी कहते हैं। मुहतरम नाजरीन, कलवंजी को काली मिर्चों के बाद सबसे मकबूल तरीन मसाला समझा जाता है। इसकी खसूसियात इतनी ज्यादा है की खुद तिब्बी माहरीन का कहना है की कलवंजी की अफादियत के बारे में जितनी भी रिसर्च की गई है, अब तक इसके तमाम तरफ फवायद का पता नहीं चलाया जा सका। तारीख में इसके आसार कदीम मिस्री तहजीब में भी दस्तयाब हुए हैं, यहाँ तक के तोनान खामून के मकबरे से ये बीज बरामद हुए हैं। मौर्रखीन के मुताबिक कदीम मिस्री तहजीब में इस बीज को फराइन की ममीज को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यूनान से लेकर मशरक वस्ता एशिया और अफ्रीका तक में इसे रवायती तरीका इलाज के तौर पर जड़ी बूटियों की शक्ल में भी और इसका तेल निकाल कर गुनागु बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो हमेशा कामयाब साबित हुआ। प्यारे दोस्तों, कलवंजी का पौधा झाड़ियों की तरह आधा मीटर ऊँचा होता है, जिसमे नीले रंग के फूल लगते हैं। ये पौधा इटली और तुर्की में पाया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी को हर बीमारी के लिए शिफा करार दिया है। चुनाचे फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا الصام। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काले दाने में हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं कलवंजी के चंद फवायद आपके सामने पेश करूंगा। कलवंजी का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल में कमी लाने के लिए इंतहाई मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में चर्बीले मवाद को कहा जाता है और अच्छी सेहत के लिए कुछ मिकदार में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, मगर इसकी ज्यादा मिकदार खून में जमा होने से अमराज कल्ब का खतरा बढ़ जाता है और कलवंजी ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए मुअस्सर समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, टेस्ट ट्यूब तहकीकी रिपोर्ट में दरियाफ्त किया गया है की कलवंजी में कैंसर से लड़ने की सलाहियत मौजूद है। दीगर तहकीकी रिपोर्ट में इंडिया दिया गया है कि कलवंजी और इसके अज्जा मुमकिन तौर पर मुतअद्दिद अकसाम के कैंसर जैसे मसाने, जिल्द, फेफड़ों, लबलबे और कोलोन कैंसर के खिलाफ मौसर साबित हो सकते हैं। कलवंजी बैक्टीरिया के खात्मे में बहुत मददगार है। बीमारियों का बायस बनने वाले बैक्टीरिया कानों के इन्फेक्शन से लेकर नमूनिया समेत मुतअद्दिद अमराज का बायस बनते हैं। तहकीक से पता चला है कि कलवंजी में बैक्टीरिया कश खसूसियात है, जो बैक्टीरिया की मखसूस अकसाम के खिलाफ मौसर अंदाज से मुकाबला करती है। मोहतरम नाजरीन, कलवंजी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मददगार है। जिस्म में ब्लड शुगर की सतह में इजाफा मनफी अलामात का बायस बनता है, जैसे हर वक्त प्यास का लगना, जिस्मानी वजन में गैर मुतवक्के इजाफा, थकावट और तवज्जा मरकूज करने में मुश्किल हो जाना वगैरह। प्यारे दोस्तों, कलवंजी के बहुत ज्यादा फवायद हैं, जैसे जिस्म के हर हिस्से को मजबूत बनाती है, हैज के मामलात को बेहतर बनाती है, माँ के दूध में इजाफे का बायस है और पेशाब की तकलीफ में फायदा पहुँचाती है, जुकाम, फालिज, दर्द शकीका, निसियान और घबराहट में मुफीद है, इसका धुआं सांस की तकलीफ में फायदा देता है, कलवंजी पेट के कीड़ों को साफ करती है। मोहतरम नाजरीन, कलवंजी के इतने फायद हैं कि शुमार करना मुश्किल है। चंद आपके सामने पेश कर दिए हैं। कुदरत के इस अजीम तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बेशुमार बीमारियों से जान छुड़ाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।